में दोस्तों ये अंगारा जा रही है डिलीवरी पे। यहाँ पे लकड़ी के ऊपर तैयार हो। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ जीटी रोड के ऊपर, तो यहाँ पे बिगेस्ट फूड पॉइंट है, फिश पॉइंट है, जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, और टोटली डिफरेंट स्टाइल फिश है जी यहाँ पे। तो फूडीज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिश है, टोटली डिफरेंट। आपने फिश बनती हुई फ्राई फिश या ग्रिल फिश तो बहुत देखी होगी, लेकिन जो आज आप देखने जा रहे हैं ये फिश आपने पहले नहीं देखी होगी। तो इसका मुकम्मल तरीकाकार और बनाने का तरीका जो है अंगारा फिश का, वो आपको मैं मुकम्मल दिखाऊंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा डिफरेंट टाइप की फिश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? तो वेलकम टू फूडीज़, आपको बिगेस्ट प्लेस इन फिश हाउस आपको मैं लेके आया हूँ जी। यहाँ पे आपको बेपनाह वैरायटी मिलेगी फ़िश की, जहाँ पे मैं आज आपको लेके आया हूँ। और इस वक्त मैं मर्दान में, मर्दान की मोस्ट पॉपुलर प्लेस है, जहाँ पर फ़िश की डिफरेंट तरह की वैरायटी अवेलेबल है। तो और यहाँ पर जितना रश फ़िश के लिए है, और वन डिश ओनली यहाँ पर है, सिर्फ फ़िश ही फ़िश, और फ़िश की डिफरेंट तरह की वैरायटी है, वो तमाम आपको दिखाते हैं, ठीक है? हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन दोस्तों ने तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाले तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों ये बड़ा डिफरेंट तरीके से है जी फिश को जो बना रहे हैं, खाली ग्रिल नहीं हो रहा, सिंपल ग्रिल नहीं है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ किस तरह से ये तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों ने ऐसी नहीं फिश खाई होगी, ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये सिंपल ग्रिल फिश है, ठीक है? ये आप लोगों ने आम जगह पर देखी होगी, बहुत सारी जगहों पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन जो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ वो टोटली डिफरेंट है। ये मसाला लगा रहे हैं जी? जी सर, जी ग्रिल मसाला है। ग्रिल मसाला, ग्रिल फिश का मसाला लग रहा है जी। और यहाँ पे कोई पंखा नहीं चल रहा कोयलों को गर्म करने के लिए, एक साइड पे कोयलों को पूरी तरह से गर्म किया जा रहा है, जो कहना पहाया जाता वे पहाया जा रहा वे, तो उस बाद उधरों ले आके इधर आया जा रहा जी। ने दोस्तों जो आज मैं आपको फिश दिखाने जा रहा हूँ, ये है फिश अंगारा। वो ये नाम की तरह भी अंगारा होगी, और ये जो इस तरह आप देख रहे हैं ये वाइट वाइट, आप सजेस्ट करें क्या हो सकता है ये? दोस्तों ये है दुम्बे की चर्बी। हाँ वही लम जो सी है, नीचे पीछे जो चक्की जो होती है उसकी ये चर्बी है जी, चक्की जो होती है लम इसको बोलते हैं जी। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये लग कैसे रही है इसमें फिश, ये फिश अंगारा बनती कैसे है, ये फिश के पीसेस आ रहे हैं जी। और ये टमाटर आ रहे हैं जिसके साथ इसके ऊपर, ये इसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है जी फिश अंगारा को?
अंगारा का टाइम है 30 मिनट अंगारा जी 30 मिनट लगते हैं। अच्छा 30 मिनट लगेंगे जी। 10 मिनट पे जी हरी मिर्ची आ गई कटी हुई और फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर जो है चर्बी जो चक्की की चर्बी होती है जी। जी आ गया लेमन और ये अभी तो पैक किया जा रहा है, ये पेपर फॉइल में इसको पैक किया जा रहा है, मुकम्मल तौर पर बंद होगा ये पेपर फॉइल में। नहीं जी ये हो गया जी और ये उस नाम से हो गया जिसका है ये। तो दोस्तों ये है फिश अंगारा जो कि इस वक्त अंगारों पे पक रही है, ठीक है, क्योंकि अंगारा ऑयल को कहा जाता है और ये पेपर फाइल के अंदर रखा हुआ है इसको और इसमें पक रही है। ये जितने भी ऑर्डर्स हैं ऑर्डर के मुताबिक और हर ऑर्डर की पर्ची उसके नीचे लगी हुई है जिसका भी ऑर्डर है और उसके नाम से। इसको 30 मिनट लगते हैं जी फिश को पकने में। और ये ग्रिल फिश तैयार हो रही है। दोस्तों आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि फ़िश की प्लेसमेंट होती किस तरह से है यहाँ पे और किस तरह से जो है फ़िश को यहाँ पे ज़रा थोड़ा डिफरेंट है कि आपने किस तरह से जो है फ़िश खानी है सबसे पहली चीज़, ठीक है। सबसे पहले आप आएंगे काउंटर पे, यहाँ पे आके आप पर्ची बनवाएंगे और इसके बाद आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं भाई साहब? कब से चला रहे हैं इसको? 8-10 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह बहुत रश है जी आपके पास। अच्छा चलें जी आपको आगे दिखाते हैं जी। ये फ्रीजर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फ़िश पड़ी हुई है। तो कौन कौन सा फ़िश है भाई? आ जाओ आ जाओ। सिल्वर है, तेला है, चेन है, माशेर है। अच्छा जी। और ये अपनी मर्जी का दाना लेना है यहाँ से? हाँ जी हाँ जी। अच्छा और फिर उसके बाद आप उसको आगे फ्राई के लिए या जो भी करना है ग्रिल करना है जो भी इसको आगे जाएगा? आजी, ये आजी। नहीं जी यहाँ से आपने अपनी मर्जी से दाना लेना है। किस तरह किलो है जी ये? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो कई किसी भी कैटेगरी में ले लें आप? जी। अच्छा नहीं जी दोस्तों किसी भी कैटेगरी में आप फिश को ले लें, ठीक है। तो 400 रुपये किलो चाहे आप फ्राई करवाएँ चाहे अंगारा करवाएँ चाहे ग्रिल करवाएँ, ये फ्राई हो रही है जी यहाँ पे फिश। हर किसी का टोकन लगा हुआ है और उसके मुताबिक ये ग्रिल फिश जो होती है जिसको ग्रिल करनी है और किसी को फ्राई करनी दोस्तों। आपको गर्मा गर्म यहाँ पे रोटी भी मिलेगी जी, ताज़ा और गर्मा गर्म। ये तंदूर भी साथ ही है इनका। तो दोस्तों
ये बड़े बड़े मट्टी के साथ बनाए हुए इन्होंने, जिसके अंदर आगे वो फिश फ्राई हो रही है वहाँ पे, और इतनी हीट है कि यहाँ पे दो मिनट भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा यार, बहुत हीट है। लेकिन जो लकड़ी के ऊपर चीज़ पकती है उसका मज़ा ही कुछ और है, और यहाँ पे शायद इस वजह से इतना ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ये अपना हो रहा काम फ्राई का और ग्रिल का, ये टोटली जो है यहाँ पे लकड़ी के ऊपर तैयार हो रही है। तो ये गर्मा गर्म फिश निकल रही है, और एक टाइम पे सिर्फ उतनी ही फिश फ्राई होती है जितना ऑर्डर होता है, जिसकी जितनी ऑर्डर है उसकी उतनी फिश फ्राई होगी। और ये जिसका ऑर्डर है वो उसका उसकी फिश तैयार हो गई है जी, और ये डिलीवरी के लिए जा रही है फिश अंगारा। दोस्तों ये है फ्राई फिश और ये है अंगारा, तो अभी ये जाते हैं और इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या लुक आता है इसका अंगारा का। नहीं जी दोस्तों, ये इस वक्त अंगारा को खोला जा रहा है जी, जबरदस्त लुकिंग सो डिलीशियस। ले आप खाना शुरू करें जी, आप जी अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप? मर्दान का आप? हाँ जी, मर्दान का रहना है। तो भाई यहाँ पे आप फिश के लिए आए हो, कैसा टेस्ट है यहाँ का? बहुत मज़ेदार टेस्ट है। हाँ हाँ, ताज़ा ताज़ा फिश मिलते हैं। अच्छा, मैं क्या आप कह सकते हैं बेस्ट प्लेस मर्दान की है ये? चल बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी अस्सलाम वालेकुम यूब खान साहब, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तो आपको मैंने खाते हुए डिस्टर्ब कर दिया, तो आप बताएं कैसा यहाँ का टेस्ट है जी फिश का? यहाँ टेस्ट तकरीबन हम तो काफी सालों से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, और बड़ा जबरदस्त टेस्ट है। अच्छा, इसलिए आप देख रहे हैं जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ हाउसफुल है। अगर कोई और जगह होती तो शायद वो भी भर जाती। अच्छा सही, अभी सर्दियों का मौसम है तो इस वक्त इस सीजन में जो है ना मछली का खास सही जायका होता है और मजा भी करता है। अच्छा अच्छा सही, न कि आप कह सकते हैं मर्दान के एरिया में जो है सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो ये है? ये फिश के लिए बड़ा जबरदस्त। सही, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।